दोस्तों, नए साल में बिहार राज्य में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया बदलने जा रही है और इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने आवश्यक आदेश और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार बिहार सरकार ने पुलिस कर्मियों पर बढ़ रहे काम के दबाव को देखते हुए और लंबित मुकदमों के मद्देनजर लंबी पुलिस भर्ती को दरकिनार दिया है और अब इसके तहत जो नई भर्तियां की जाएंगी वे त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से होंगी। हालांकि इनका कार्यकाल भी थोड़ा अलग और संक्षिप्त होगा और दोस्तों, इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा आवश्यक आदेश और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि नई त्वरित भर्ती प्रक्रिया के तहत बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों पर नौकरियां दी जाएंगी और पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में जानकारी दी गई है कि राज्य में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर बिहार पुलिस में सिपाही से इंस्पेक्टर तक के रिक्त पदों पर रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त अधिकारियों और कार्मिकों की बहाली की जाएगी। साथ ही दोस्तों, जो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप चक्षु पब्लिकेशन की यूपी पुलिस कांस्टेबल गाइड, जो कि नए एग्जाम पैटर्न पर बनी हुई है, ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 2022 के न्यू सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। और साथ ही दोस्तों, इसमें 5 साल पेपर और 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को चैप्टर वाइज डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा इसके साथ चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट भी है, जिसमें कि 10 प्रैक्टिस सेट और 8 साल पेपर दिए गए हैं। इसलिए आप चाहें तो दोनों किताबों को एक ही साथ ले सकते हैं और ये आपकी तैयारी में काफी मददगार साबित होंगी। दोस्तों, ये किताबें आपको लोकल मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन में भी मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दरअसल दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती में यह बदलाव पुलिस महकमे में मुकदमों के बढ़ते दबाव और जांच अनुसंधान के लिए पुलिस कर्मियों की कमी के मद्देनजर किया गया है। इसलिए रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।